नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेट की बात कर रहे हैं, और हेल्मिन्थीस का मतलब होता है वर्म। तो कोई कंफ्यूजन मत रखेगा, अब वर्म की शुरुआत हुई, अगले तीन फाइलम वर्म में रहेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीस फ्लैट वर्म, एस्केल्मिन्थीस या नेमेटोहेल्मिन्थीस राउंड वर्म या थर्ड वर्म, और अगले उसके बाद तो अर्थवर्म ही आ जाएगा एनिडा, वो भी वर्म ही है, वो सकल से लग नहीं रहा हेल्मिन्थीस, तो वो वर्म ही है। लेकिन फ्लैट की बात जब हम करते हैं तो ये हमें जानना चाहिए कोई सा फ्लैट, क्योंकि मेरे शरीर को अगर आप देखें तो हमको दो तरह से चपटा कर सकते हैं, चपटा तो तीन तरह से भी कर सकते हैं। सर इधर से दबा दीजिए तो हम ऐसे बन जाएंगे, ये हुआ, तो हम लोग कहते हैं लैटरली फ्लैट। लेकिन अगर ऐसे दबा दीजिए तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, और ऊपर से दबा दीजिए तो नीचे पापड़ बन जाएंगे, तो वो एंटीरियो पोस्टेरली फ्लैट। तो हमें ये फ्लैट बताना पड़ेगा किस जगह पे फ्लैट, तो इट इज फ्लैट लाइक दिस डॉर्सो वेंट्रली, हमारे शरीर को ऐसे कंप्रेस करिए लाइक दिस, तो हम ऐसे ही तो नजर आएंगे। तो जब आप डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट कह दोगे डीवी फ्लैट, तो तुरंत आप फिर आंसर कर पाओगे बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि बाइलेटरल टर्म तभी आएगा जब सेजाइटल प्लेन आएगा, और सेजाइटल प्लेन तब आएगा जब डॉर्सो वेंट्रल प्लेन नजर आएगा, वो नजर ही नहीं आएगा तो कहां, बस चपटा इसे कर दोगे तो डॉर्सो वेंट्रल प्लेन दिखेगा। तो ये पहला फाइलम है जहां से आप बाइलेटरल सिमेट्री कह पाते हो, तो या तो रट लीजिए या फिर आप इसको इस भाषा में बोलिए। कई चीजों में नंबर वन है ये, जैसे बाइलेटरल सिमेट्री नंबर वन है। दूसरा, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार शुरू हो रहा है, सच मायने में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी यहीं पर है, उसको पहले तो सब फर्जी ही पढ़ा कर रहे थे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मेसोडर्म यहां पर पहली बार आपके पास आता है, तो सवाल कई बार बदल लेते हैं, वो इसी तरह से भाषा पूछते हैं, नेम द फाइलम, नेम द एनिमल इन विच फर्स्ट टाइम द मेसोडर्म अपीयर्स, क्योंकि लैंग्वेज बदल जाती है, कई बार हूबहू वही होती है और कई बार थोड़ा सा बदल जाती है। तो ये जनरल पॉइंट तो आपको ऐसे ही लिखने होंगे, जहां से स्पेशल पॉइंट शुरू होगा वहां से हम याद कराएंगे। पहला पॉइंट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, दैट इज फ्लैट वर्ब। नेक्स्ट, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। नेक्स्ट, वन माउथ नो एनस चलेगा, जब आप इसे पढ़ेंगे इस फाइलम को तो एटलीस्ट तीन एग्जाम्पल याद रखिए, तीन का नाम भी किताब में दिया है, एक प्लेनेरिया रीजनरेशन की वजह से, दूसरा लीवर फ्लूक, फैशोला फोटो बनी है उसकी, और तीसरा टीनिया, उसकी भी फोटो बनी हुई है। जब हम तीन जानवर याद कर रहे हैं तो इन तीन में से दो तो पैरासाइट हैं, फैशोला और टीनिया तो पैरासाइट है ना, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, तो इसी विश्वास से हम कहने जा रहे हैं मोस्टली इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट तो होता ही नहीं है, ये एंडो ही होगा, शरीर के अंदर है, कुछ पैरासाइट एक्टो होते हैं, लीच बाहर रहती है। लेकिन ये चाहे आप टीनिया पढ़ें आंत के अंदर रहता है, फैशोला पढ़ें लिवर में बाइल डक्ट में होता है, लेकिन सारे पैरासाइट नहीं है, जैसे स्पोरोजोआ में आप लिखकर आए थे एक्सक्लूसिव पैरासाइट, लेकिन यहां नहीं कहने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं मोस्टली पैरासाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली इंडो पैरासाइट, मोस्टली इंडो पैरासाइट। अब जरा खास खास बातें समझिए, जैसे एक पुराना सा पॉइंट आपके पास था कि इस ग्रुप के मेंबर जो थे वो एसीलोमेट थे,
याद होना चाहिए आपको, लेकिन अब खाली बात इतने से नहीं बनी। हम आपको सिलोम भी दिखाएं, जैसे ये हम आपको मोटा सा जानवर दिखाएं फेशियोला के फॉर्म में, ये था। तो हमें एलिमेंट्री कैनाल तो दिखानी चाहिए ना, अब भले अधूरी दिखाएं क्या कर लोगे, ब्लाइंड सेक है ये, हो गया। तो इनमें हमारे पास क्या है, ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये बॉडी वॉल कहलाया, और अंदर वाला हिस्सा गट वॉल कहलाया। तो इसके बीच में जो स्पेस है, अब स्पेस तो रहना नहीं चाहिए ना, तभी तो सिलोम में, तो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज फिल्ड बाय द मेसोडर्मल टिश्यू। यहां पर एक मेसोडर्मल टिश्यू आ जाएगा, एंड यस पहली बार मेसोडर्मी तो पढ़ रहे हैं, मेसोडर्मल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा। लेकिन जैसे पैरेन्काइमा बोलो लड़का तुरंत खड़ा हो जाता है, कहता है बॉटनी है क्या, क्योंकि वहीं पढ़ा होता है पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्टेनकाइमा। सर ऐसा थोड़ी ना है, पैरेन्काइमा की जो सेल मेम्ब्रेन होती थी, सेल वॉल वहां कहते होंगे, बहुत पतली होती थी, तो वैसे ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका नाम बदलना चाहते हैं, इसको नाम देते हैं अब मेसेनकाइम। यहां पर जो बीच का स्पेस होता है, सिलोम तो है ही नहीं, कैविटी नहीं है, लेकिन बीच का जो स्पेस है वो फिल्ड है, तो कैविटी नहीं है, दैट इज फिल्ड बाय मेसोडर्मल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, उसका नाम देते हैं मेसेनकाइम। और जब ये दे लेते हैं तब सवाल पूछते हैं मेसोहाइल की ऑरिजिन बताओ, मेसोहाइल की ऑरिजिन एंडोडर्मल, सर क्वानोसाइट बनाती थी, मेसोग्लिया की ऑरिजिन एक्टो एंडोडर्मल, वो बाहर वाली लेयर अंदर वाली लेयर दोनों मिलके बनाती थी, और इसकी ऑरिजिन वो इसीलिए पूछते हैं कि इसको भी उसी में ले चलो। मेसोहाइल मेसोग्लिया मेसोडर्मल नहीं है, लेकिन मेसेनकाइम मेसोडर्मल है, वहां डिप्लोब्लास्टिक था। कंपैरिजन याद करिए, मेसोहाइल मेसोग्लिया मेसोडर्मल नहीं है, लेकिन वैसे ही मेसो यहां भी नजर आ रहा है, ये मेसोडर्मल है। तो जब मेसेनकाइम की ऑरिजिन पूछी जाती तो उसके बहकावे में मत रहिएगा, ये मेसोडर्मल है सच में। एंड दिस, तो जो एसिलोमेट लिखेंगे उसके साथ आपको ये भी शब्द बढ़ाना पड़ेगा, तो अगला शब्द एसिलोमेट, आगे डैश के लिखिएगा, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल is filled by mesodermal parenchymatous tissue, mesodermal parenchymatous tissue, that is mesenchyme. दूसरा शब्द एक्सक्रीशन, ये नाम आप पढ़ चुके हैं, यस आपने जब कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा वहां पे ये नाम रहा होगा, एक्सक्रीशन इज बाय फ्लेम सर, और इसकी ओरिजिन जानते हैं सर, इसीलिए इसके पहले कोई मेसोड आपके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन आया ही नहीं, जब मेसोडर्म ही नहीं था तो एक्सिट्री स्ट्रक्चर आएगा कैसे, तो फ्लेम सेल बहुत लोग भूल गए होंगे, तो आप फोटो याद करके देखिए ऐसे रहा होगा कोई स्ट्रक्चर, अगर वो कॉपी खोई ना हो आपके पास हो तो। ऐसे था, तो हम तो एक ही लाइन लिखा सकते हैं, एक्सक्रीशन इज बाय मेसोडर्मल फ्लेम सेल विच हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। लेकिन यहां पे सवाल बनता तो है कि सर एस्केलमेंथीज का एक्सिट्री स्ट्रक्चर रीनेट सेल, याद है ना, एच शेप, फिर और आगे बढ़िए एनलीडा नेफ्रीडिया, फिर आर्थोपोडा मेल्पिगन टिब्यूल और ग्रीन ग्लैंड, एक नाम आया होगा एंटेनरी ग्लैंड प्रॉन जिसका एग्जाम्पल लिखाया था, वहां यही चार पढ़ाए थे, और यही चार अगर आप पढ़ लीजिए तो इन्वर्टिब्रेट में जो क्लासिफिकेशन के हिस्से में एक्सिशन पूरा हो जाएगा, मोलस्का एकांडर्मेटा का कोई पूछता नहीं एक्सक्रीशन, तो यही चार एक साथ याद करिए, पॉइंटर्स एक्सक्रीशन में बाय मेसोडर्मल
पहली बार पढ़ रहे हैं आप ये, बाय मेसोडर्मल फ्लेम सेल, फ्लेम सेल्स विच हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप ऐसे ही जो आप छोटी छोटी हियरिंग डाल रहे हो ना, यही शब्द याद करिएगा, नहीं तो पूरा फाइलम कभी नहीं याद होगा। एसिलोमेट, फिर इसके आगे मेसेनकाइम, फिर एक्सक्रीशन फ्लेम सेल। थोड़ा थोड़ा शब्दों में याद करेंगे तो कोरिलेट कर भी ले जाएंगे। अगला एक शब्द आपका पढ़ा हुआ है लेकिन मैं छोटी सी हेडिंग में ही कह चाहता हूं, सिफिलाइजेशन, याद होगा आपको, प्रेजेंट, यहीं से शुरू हुआ था। और कहा था सिफिलाइजेशन का मतलब हेड ना समझा जाए, ब्रेन समझा जाए। ना ब्रेन हो तो, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो शरीर को ऑर्गेनाइज करता हो, कंट्रोल करता हो, लुक लाइक द गैंग्लिया, तो हमें तो खाली नाम देना है, प्रेजेंट, यहीं से शुरू हुआ था। अगला शब्द है नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने फाइलम में जब नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो मैंने अभी भी पढ़ाया आपको, तो आप देख भी सकते हैं उसे, कि नॉन पोलर न्यूरॉन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, इंट्रा एपिडर्मल नर्व नेट, नो सीएनएस, दैट इज ओनली पीएनएस, बिना दिमाग का जानवर है वो। सर इनकी बातें थोड़ी एडवांस करिए। इनमें क्या होता है, कुछ गैंग्लिया पाए जाते हैं। अब गैंग्लिया पाया जाएगा जो कंट्रोल करता होगा, तभी हम नाम दिया करेंगे, ब्रेन जैसा कुछ याद आया, और तभी तो हम सिफिलाइजेशन कहेंगे। तो अब हम दोबारा उसे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ दिस, ऐसे। तो मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया गैंग्लिया है जिसको आप ब्रेन से तुलना कर लीजिएगा। इतना डिटेल में पढ़ ही नहीं रहे, हमें खाली वो फीलिंग चाहिए कि ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है। फिर चूंकि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, तो इसके लेटरल सरफेस पे ऐसे कॉर्ड पाई जाती है दोनों लेटरल साइड में, जैसे हमारे हाथ को माने, एक इधर की तरफ एक फ्लैट, एक लाइन इधर से है। सो दोनों तरफ से उसकी बॉडी में लेटरली पोजिशन लंबी लंबी रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसे कहते हैं नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपको नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की फोटो दिखाई थी। नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम का प्रिकर्सर है, ये नर्व कॉर्ड है, लेटरल नर्व कॉर्ड। लेकिन इतना ही नहीं हुआ है, ये जो लेटरल नर्व कॉर्ड हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ऐसे। और अगर ऐसा आप देखेंगे तो देखने में सीढ़ी जैसा दिखाई देगा। सर वही शब्द इंपॉर्टेंट है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। यहां गलती बता दें क्या होती है, लोग याद करते हैं लैडर लाइक, जबकि लैडर लाइक एक शब्द और आएगा जब हम आर्थोपोडा आपको पढ़ाएंगे। तो आर्थोपोडा में नर्व कॉर्ड है लैडर लाइक, और यहां नर्वस सिस्टम है लैडर लाइक। वहां जब आर्थोपोडा तक पहुंचेंगे तो बोलेंगे नर्व कॉर्ड इज लैडर लाइक। लड़का याद कर रहता है लैडर लाइक, जब पूछा जाता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, तो भी आंसर वो एक ही आंसर कर रहा है। नर्व कॉर्ड पूछा जाए तब भी आंसर कर रहा है, तो वेट टिल द आर्थोपोडा। तो अगला शब्द हमारे पास है नर्वस सिस्टम, बस सिर्फ इतना सा पॉइंट, गिव्स द लैडर लाइक। अब वो समझ में ना आए तो आप समझना चाहें तो आप पूरी बात बोलिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैटरल नर्व कॉर्ड विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दैट गिव द अपीयरेंस ऑफ इट। लेकिन एग्जाम का सवाल यही है खाली, पॉइंटर्स। नर्वस सिस्टम अपीयर्स, नर्वस सिस्टम अपीयर्स एज लैडर लाइक, नर्वस सिस्टम अपीयर्स एज लैडर लाइक बिकॉज लैटरल नर्व कॉर्ड गेट कनेक्टेड टू ईच अदर, गेट कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स,
ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ, याद करने वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। एसिलोमेट मेसेनकाइम, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल, सिफिलाइजेशन प्रेजेंट यस पहली बार, नर्वस सिस्टम लड़ लाइक, यही चार पॉइंट हैं। क्योंकि अब जो पॉइंट बोल रहे हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थीज के पॉइंट नहीं है, कुछ प्लैटीहेल्मिन्थीज के हैं। कुछ का मतलब हम उन प्लैटीहेल्मिन्थीज के यानी फ्लैट वर्म की बात करेंगे जो पैरासाइट है, प्लेनेरिया नहीं आएगा इसमें। तो कहने जा रहे हैं पैरासिटिक फ्लैट वर्म जो हमारे शरीर के अंदर कहीं पर रहते हैं, तो दे मस्ट हैव एन ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। कैसे चिपके रहेंगे? जैसे मान लीजिए आपका टीनिया ही है, आपकी छोटी आंत में पाया जाता है, और छोटी आंत में हम झमाझम पेरिस्टाल्सिस कर रहे हैं, चला सारा के टेक्टिक रास्ते निकल जाए। तो उसने जितने भी पैरासाइट हैं जो इंडो पैरासाइट हैं, दे मस्ट हैव एन ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, यानी अगला शब्द होने जा रहा है ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। लेकिन ये बात सब पे लागू नहीं होगी। भाई प्लेनेरिया को क्या जरूरत है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट के लिए? ये तो सिर्फ पैरासाइट्स की जरूरत है ना। तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट के नाम पे दे मस्ट हैव एन, या तो हुक्स होना चाहिए, टीनिया अगर आप पढ़ते हो तो हुक्स जानते होंगे, या फिर सकर्स होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए। जैसे अगर आप फैशोला पढ़ेंगे तो फैशोला में सिर्फ सकर्स हैं, हुक्स नहीं है, और अगर टेप वर्म पढ़ेंगे तो हुक्स और सकर्स दोनों है। तो नेक्स्ट, इन पैरासाइट्स organ of attachments are present, organ of attachment are present, that is hooks or suckers, hooks or suckers or both, or both। अब अगला जो पॉइंट है वो इसके अंदर है। ये तो हमने सिर्फ जो पॉइंट बोला वो सिर्फ पैरासाइट के लिए बोला, लेकिन अब कहने जा रहे हैं कुछ पैरासाइट, यानी ये सब पैरासाइट पे लागू हुआ, यानी हम फ्यू पैरासाइट की अब बात करेंगे। कुछ पैरासाइट बड़ी विचित्र अवस्था में है, वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पचा पचाया भोजन है। तो फिर जब पचा पचाया भोजन है तो हम मुंह से क्यों खाएं? तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी एलिमेंट्री कैनाल ही गायब कर दिया। सोचा जरूरत है नहीं इसकी हमको। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेप वर्म, फैशोला की बात नहीं कर रहा हूं। फैशोला तो लीवर में पाया जाता है, वो लीवर के अंदर कहते हैं पाया हो जाता है बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट में कोई ग्लूकोज थोड़ी ना भरे बैठे हो आप कि उसका काम चल जाएगा। और जो टेप वर्म हमारी छोटी आंत में है, जहां खाना जैसे पचाने को लगता है एब्जॉर्ब वही कर लेगा। तो दे रिड्यूसेस, दे हैव नो एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल आधी अधूरी होनी चाहिए थी, अब ब्लाइंड सैक है तो होती ही नहीं, टीनिया के पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। लेकिन ये इसका पैरासिटिक एडॉप्टेशन माना जाता है, क्योंकि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के बॉडी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, तभी वो बेहतर सर्वाइव कर पाता है। तो नेक्स्ट, फ्यू पैरासाइट, नॉट ऑल, ब्रैकेट में अगर टेप वर्म लिख लें तो अच्छा लगेगा आपको। फ्यू पैरासाइट लूजेस इट्स एलिमेंट्री कैनाल, लूजेस इट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड एब्जॉर्ब वेल डाइजेस्टेड फूड, एंड एब्जॉर्ब well digested food from general body surface, from general body surface। next अब आसान सा पॉइंट, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल होगी। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, नेक्स्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट।
बाई मेनी लार्वल स्टेजेस नाम नहीं बता रहे हैं. बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बाई मेनी लार्वल स्टेज. एकाद होता तो बता देते, अब कई सारे हैं तो नहीं बताते. तो अभी हम आपको जब फैशियोला के बारे में और टीनिया के बारे में बात करें तो हम वहीं पे उसके लार्वा बता देंगे. अब जनरल हम लार्वा नहीं बता रहे जी. जनरल फीचर्स पूरे हो गए. क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं. पांचवा क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं इसलिए. प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, फिर पोरीफेरा में स्केलेटन, फिर पॉलीमॉर्फेस में सिलेंट्रेटा में, निडेरिया में, फिर टेंटिकल्स है आपके पास टेनोफोरा में. यहाँ का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब. एलिमेंट्री कैनाल की जो बात की है वो है या नहीं है, प्लस मोड ऑफ लाइफ. इनकी मोड ऑफ लाइफ क्या है, यानी कैसे ये जिंदा रहते हैं, दे आर पैरासाइट या फ्री लिविंग. तो पहली लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ एंड presence or absence of digestive tube. जी इसमें तीन नाम है. सबसे पहला नाम आता है टर्बिलेरिया. दूसरा नाम आता है सेस्टोडा. ट्रेमेटोडा. दूसरा नाम है ट्रेमेटोडा और तीसरा नाम है सेस्टोडा. तो उन्होंने कहा मोड ऑफ लाइफ को लेकर पहले बता दें. जैसे ये फ्री लिविंग होते हैं यानी पैरासाइट नहीं होते. ये पैरासाइट होते हैं सब, ये भी सब पैरासाइट है. तो आपने लिखा था ना मोस्टली एंडो पैरासाइट, तो हो गया दो क्लास पैरासाइट. दूसरा, इसमें एलिमेंट्री कैनाल है. यहां भी एलिमेंट्री कैनाल है यानी डाइजेस्टिव ट्यूब है और यहां पे नहीं है. टीनिया यही होता होगा. तो पहली क्लास है टर्बिलेरिया. इसमें दो लाइनें हैं, फ्री लिविंग, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्यूब प्रेजेंट. एग्जाम्पल एक है आपके पास प्लेनेरिया, उसी का नाम ड्यूगेशिया भी होता है. तो प्लेनेरिया थोड़ा कॉमन ज्यादा है इससे लोग वही बोलते हैं. प्लेनेरिया बोले या ड्यूगेशिया बोले, याद होना चाहिए दैट शोज द मैक्सिमम रीजनरेशन अमंग एनिमल्स. अगर समूह में बात करेंगे तो स्पॉन्जेस हैज द मैक्सिमम रीजनरेशन, लेकिन अगर जानवर में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपैरिजन करेंगे तो मैक्सिमम रीजनरेशन इसी में. तो एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर, शोज मैक्सिमम रीजनरेशन अमंग एनिमल्स. दूसरा नाम ट्रेमेटोडा. तो उसी के कंपैरिजन में नाम लिख रहे हैं, पैरासिटिक फॉर्म एंड डाइजेस्टिव ट्यूब प्रेजेंट. एग्जाम्पल
लेकिन एग्जाम्पल जानने के पहले एक नाम और जान लें, ट्रेमेटोडा के जितने मेंबर्स होते हैं उन सबको हम फ्लूक कहते हैं। अभी अलग बात है आप खाली एक ही पढ़ोगे लीवर फ्लूक, इसलिए आपको और कुछ लगेगा नहीं। ऐसे सेस्टोडा के जितने मेंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग टेप वर्म कहते हैं। अब आप भी एक पढ़ते हो टीनिया तो आपको लगता है बस वही टेप वर्म है, ये वाला तो ध्यान भी नहीं देते लोग। टर्बिलेरिया के जितने मेंबर्स होते हैं उन सबको हम इडी वर्म कहते हैं। लेकिन प्लेनेरिया इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके अगल बगल कोई दूसरा नाम टिक नहीं पाता, इसलिए वो उतना पॉपुलर हुआ नहीं है। हम यहां पर एक एग्जाम्पल के बजाय दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप एक ही याद करिएगा। लेकिन हम ये फील लाने के लिए ये मत समझे खाली लीवर फ्लूक एग्जाम्पल होता होगा। एक एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा पहले सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। इसका एक दूसरा नाम हम आपको बताएं, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड फ्लूक। तो अब फ्लूक समझ में आया क्योंकि आदत पड़ी है लीवर फ्लूक खाली पढ़ने की। एक और बड़ा कॉमन नेम है, देसी नेम जिसे कहते हैं बिलहार्जिया, बिलहार्जिया। तो अगर अचानक किसी से पूछा जाए बिलहार्जिया बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो कोरिलेट ही नहीं होता कि जानवर भी है कि कोई और है। सर दूसरा एग्जांपल, नाम है फेशियोला हिपैटिका, फेशियोला हिपैटिका। इसको हम लोग नाम देते हैं शीप लीवर फ्लूक। तो सर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है एंड दैट इज अ बाइल डक्ट ऑफ शीप कह लें, गोट कह लें या कैटल कह लें। वो चक्कर है जब लीवर फ्लूक हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में खाली लीवर ही भरा रहता है। लीवर के अंदर जो फाइन डक्ट्यूल्स होते थे जिसमें बाइल चलता था तो उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन हम इसको बाइल फ्लूक कहते नहीं हैं। इसलिए सवाल लोग पूछते हैं लीवर फ्लूक इज फाउंड इन, और पहला ऑप्शन लीवर और चौथा ऑप्शन देते हैं बाइल डक्ट, कि वहां तक आप जाएं ना बस लीवर फ्लूक मिले और आगे निकल लें। दूसरा पॉइंट है इसका सेकेंडरी होस्ट इसका जो है वो पॉन्ड स्नेल है, पानी में पाया जाता है, घोंघा है। इसके बारे में अभी लास्ट ईयर नीट में सवाल आया था, जबकि इसका डिटेल है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में। इससे थोड़ा सा लाइफ साइकिल का आइडिया रख लीजिए, जिससे आपको लार्वा भी जो रह गया था वो पूरा हो जाएगा, एक रफ आइडिया आपके पास आ जाएगा कि सर फेशियोला की लाइफ साइकिल होती कैसी है। जैसे इस यहां पे देखें, इसकी जो एडल्ट फॉर्म है वो शीप में पाई जाती है, शीप के इंटेस्टाइन में पाई जाती है, सॉरी शीप के बाइल डक्ट में पाई जाती है, क्योंकि बाइल डक्ट में है तो जहां रहेगा टट्टी वहीं करेगा, अंडे भी वहीं देगा, तो ये वहीं पर अंडे देना शुरू करता है। तो बाइल में अगर अंडे दिए जाए तो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे, भीड़ समझिए सबकी स्थिति वैसी है, तो बाइल तो पहुंचेगा ना इंटेस्टाइन में, फिर जब ये अंडे अपने देता है तो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन से टट्टी के रास्ते बाहर आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं एग विद स्टूल ऑफ होस्ट, जो होस्ट मतलब शीप, उसकी टट्टी के रास्ते ये अंडे बाहर आएंगे। भेड़ बकरियों की आदत होती है कि वो जब तालाब के पास पानी पीने जाती हैं तो अक्सर वहीं गोबर भी करती हैं, कई बार ऐसा आप देखेंगे, जरूरी नहीं है लेकिन इट चांस। तो अगर मान लीजिए इस बकरी गई तालाब के पास पानी पीने और वहीं उसने गोबर कर दिया, तो गोबर में बहुत सारे अंडे होते हैं, उन अंडों को पानी मिल जाता है, तो ये अंडे अगली स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम होता है मेरासीडियम, मेरासीडियम। एक लार्वल स्टेज है जो पानी में होती है। अगर बकरी ने इस सड़क पे कहीं कहीं गोबर कर दिया तो सर ये कभी पानी नहीं मिलेगा, अंडा वहीं मर जाएगा। अब उस तालाब में पॉन्ड स्नेल भी होगा, तो ये मेरासीडियम लार्वा उस तालाब में जो स्नेल अगर पाया जाता है तो उसमें घुस जाता है, और उसमें घुस करके अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उससे नाम देते हैं हम लोग
स्पोरोसिस्ट कैसे घुसता होगा, कैसी फूटी होती होगी, वो सब नहीं पढ़ रहे हैं आप, खाली नाम जता रहे हैं। फिर स्पोरोसिस्ट जब पॉन्ड स्नेल में आ गया तो अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसे नाम देते हैं रेडिया लार्वा। फिर रेडिया अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसे नाम देते हैं सर्केरिया लार्वा। फिर सर्केरिया अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसको नाम देते हैं मेटा सर्केरिया लार्वा। यानी सीक्वेंस देखिए, सब लार्वा ही हैं। दिस चेंजेस इनटू द मेटा सर्केरिया लार्वा। और मेटा सर्केरिया लार्वा फिर भेड़ बकरी में पहुंच जाता है और पहुंच करके फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। आपने जो कहीं लिखा था अभी बीच में कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बाय मेनी लार्वल स्टेज, गिनो 5 लार्वा हैं। तो पहले तो आप सीक्वेंस याद करिएगा अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो, मेरा सीडियम स्पोरोसिस, रेडिया सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। लेकिन सर कैसे डिफ्रेंशिएट करें? सर ये वाला हिस्सा जो है यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा बकरी में है, शीप या भेड़ या गोट जो आप कह लें, और ये वाला हिस्सा जो है ये पानी में है, दिस बीच वाला हिस्सा, और ये वाला स्नेल में है, घोंगा में। तो मैंने आपसे यही तो कहा अभी कि सर वो उसने गोबर अगर पानी के पास कर दिया और पानी में अवेलेबल हुआ तो मेरा सीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पानी में अगर पॉन्ड स्नेल है तो ये मेरा सीडियम उसी में धंस जाता है, उसी के अंदर घुस जाता है और घुसता रहता है, फिर सर्केरिया बन के बाहर निकल आता है, फिर पानी में तैरता रहता है और जो बकरी होती है वो पानी को पी लेती है, पीने जाती है तालाब के पानी, तो मेटा सर्केरिया आप तक पहुंच जाता है प्राइमरी होस्ट तक। सामान्यतः मैन को इन्फेक्शन ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सामान्यतः मैन तालाब का पानी नहीं पीता है। तो नहीं पीता है तो आप सुखी, लेकिन अब तालाब का पानी आपको निपट रहे हो तो फिर आपको भी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहां पर दो शब्द चाहिए, इट शोज द पॉली एम्ब्रियोनी। कभी पढ़ा हो, बॉटनी भी आता है। एक ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा लार्वल स्टेज अगर पाई जाती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जिम्नोस्पर्म में कहीं पढ़ते होंगे आप, तो वही हमने भी दिखाया। और दूसरे लाइन पे आपको सीक्वेंस चाहिए होगा, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। नहीं पढ़ना है यू कैन स्माइल बिकॉज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन लास्ट ईयर ही सवाल आया था, क्लियर? तो फैशियोला में लिखेगा डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, फैशियोला में तो लिखेंगे डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, प्राइमरी होस्ट, बाइल डक्ट ऑफ शीप, सेकेंडरी होस्ट, पॉन्ड स्नेल। नेक्स्ट, इट कॉजेज, जो प्राइमरी होस्ट में एक बीमारी कॉज करता है उसे हम लोग कहते हैं लीवर रॉट। रॉट का मतलब होता है सड़ना। पाया देखिए बाइल डक्ट में जाता है, लेकिन दिस बाइल डक्ट इज ए पार्ट ऑफ लीवर, तो हम उसे नाम दे देते हैं लिवर रॉट। वैसे अंग्रेजी में फैशिलियोसिस कहते हैं, फैशियोला ने कॉज किया तो फैशिलियोसिस। तो हमने आपको सिर्फ दो एग्जांपल बोले हैं, ये सिस्टोसोमा ब्लड फ्लू क्या बिलहार्जिया, दूसरा फैशियोला हिपेटिका, हिपेटिका से अंदाजा लगता है लिवर, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा वो बाइल डक्ट में पाया जाता है। तीसरी क्लास है हमारी सेस्टोडा, सेस्टोडा इसको हम लोग कॉमनली टेप वर्म कहते हैं। इसमें पॉइंट है पैरासाइट। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्यूब एब्सेंट, डाइजेस्टिव ट्यूब एब्सेंट। अब इसमें एग्जांपल दो हैं, लेकिन हम टीनिया के अलावा पहले एक और नाम आपको बता दें। एक नाम कहलाता है इकिनोकॉकस,
ये जताने के लिए बता रहे हैं कि आप ये मत समझे खाली टीनिया का मतलब टेप वर्म होता है, ये भी टेप वर्म है, लेकिन सर ये कुत्तों में पाया जाता है तो ये कुत्ता टेप वर्म कहलाता है। ये आप में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी हरकतें गलत हैं तो हो भी जाएगा। हरकतें गलत का मतलब कुत्ते का मांस खाने लगे आप तो हो जाएगा। सामान्यतः इंसान कुत्ते का मांस नहीं खाता है, लेकिन अब खाने तो कुछ भी खा सकते हैं लोग। तो जो लोग ये तय करके बैठे हैं हम कुछ भी खा लेंगे बस मांस होना चाहिए, तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सुअर बंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसी हरकतें हैं तो इकिनोकोकस का इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर आप बाहर नॉनवेज खाते हैं तो आप कंफर्म नहीं हो आप क्या क्या खाते हो, क्या क्या खा चुके हो, क्योंकि जिसकी मान लीजिए नॉनवेज की दुकान होगी और मान लीजिए जहां से हम मीट लेते हैं वहां से मीट नहीं आया आज, तो हम क्या करें, दुकान बंद कर दें, जरूरी तो है। सर दूसरा नाम जानिए टीनिया। किसी की शॉप हो तो बुरा मत मानिएगा भाई, मैं तो मजाक में आपको बता रहा हूं कि आप याद कर लो, तो आप नाराज हो जाओ कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा करते हैं समाज में कि उनको मीट कम पड़ा, किसी का मीट उठा के डाल दिया, कबाब बनाते वक्त तो वैसे भी पता नहीं चलता है किसका है वो, तो टीनिया। तो टीनिया में देखिए, टीनिया हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक कहलाता है हमारा टीनिया सोलियम और दूसरा कहलाता है टीनिया सजीनाटा। जो टीनिया सोलियम है इसे हम लोग कहते हैं पॉर्क टेप वर्म, पॉर्क टेप वर्म, और जो टीनिया सजीनाटा है इसे हम कहते हैं बीफ टेप वर्म। पॉर्क कहते हैं हम लोग सुअर के मांस को और बीफ कहते हैं कैटल्स के मांस को। तो ये दोनों मांस सामान्यतः इंसान खाते हैं, तो इसलिए इनका इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। तो मैंने इसी लिहाज से आपको बताया कि हम डॉग का मीट नहीं खाते हैं, इसलिए हमको उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जरा इनकी बात करके देख लीजिए इस टीनिया में। तो टीनिया में हमारे पास दो होस्ट होने चाहिए, एक प्राइमरी होस्ट तो मैन है, और मैन में भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन कहेंगे क्योंकि आपकी आंत में ही रहता है, और सेकेंडरी होस्ट आप जो चाहे करवा लें, कुत्ता करवा लें, बिल्ली करवा लें, सुअर करा लें या फिर कैटल करा लें। तो हम टीनिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उसके रेफरेंस में नहीं। अब इनकी स्टोरी समझिए ये कैसे फैलता है, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आप बाहर खाते तो हो ही कुछ ना कुछ। जो इनका एडल्ट होता है वो हमारी आंत में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे इनका एडल्ट जो था वो हमारे बाइल डक्ट में, हमारे का मतलब शीप से था, लेकिन पहुंचता तो वो भी अंडा उसका आंत में ही था। तो ये हमारी एडल्ट जो है वो आंत में है तो अंडे भी वहीं देगा, तो हमारी टट्टी के रास्ते इसके अंडे चले आते हैं, दैट इज एग्स विद स्टूल ऑफ होस्ट। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसकी टट्टी में एक दो नहीं कई लाख अंडे पाए जाते हैं, गजब की प्रजनन क्षमता होती है। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फिनोमेना बहुत जबरदस्त होता है, हर जगह आप देखेंगे, तो एक दिन में वो लाखों अंडे प्रोड्यूस करते हैं। तो उस पर्सन के टट्टी के रास्ते ये बाहर निकलेगा। अब अगर व्यक्ति ने टट्टी कहीं खुले स्थान पे किया, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जबकि लोग चाहते हैं कि सर ODF हो जाना चाहिए, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो खुले में लोग टॉयलेट कर देते हैं तो उस पर मक्खियां बैठती हैं, और मक्खियां बहुत सारे बीमारियों की मैकेनिकल कैरियर होती हैं। जो हाउस फ्लाई होती है उसका जो बॉटम सरफेस होता है वो स्टिकी होता है, तो जहां पर वो बैठती है वहां चिपक जाता है, शायद इसीलिए दीवार पे ऐसे चिपक जाती तो गिरती नहीं है, वो इसीलिए चिपक जाती। छिपकली की स्टोरी अलग है कि जब वो पैर रखती तो बीच से हवा निकल जाती है, मक्खी की स्टोरी अलग है। तो जब वो गीली मिट्टी में बैठती है, गोबर पर बैठती है, किसी ने उल्टी की है उस पर बैठती है, किसी ने थूका होता उस पर बैठती है, और टॉयलेट पे बैठती बैठती, और उसके बाद हमारे खाने के हिस्से पे भी बैठती है और हम लोग करके अपना खा लेते हैं, क्योंकि उसको हम बुरा ही नहीं मानते, जबकि वो खाली बैठ जाना ही इन्फेक्शन को ले आती है। तो
तो अगर हमने ऐसा किया तब बीमारी फैलती है। अब जरा देखिए, जब स्टूल में ये पास यहां हुआ तो स्टूल में तो मॉइस्चर होता है ना ऑलरेडी, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, खुले में शौच की बात हो रही, तो ये अंडा अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसे नाम देते हैं ऑंकोस्फेयर। ऑंकोस्फेयर, अभी ऑंकोस्फेयर उस स्टूल में पड़ा रहता है, तो सबसे आसान तरीका, सुअर खा जाती है कई बार टट्टी को, तो मिलियंस ऑफ अंडे ले गए तो उसके पेट में चला जाएगा। तो आप कहोगे चलो सुअर को मान लिया, खा लिया, सर गाय भैंस बकरी तो नहीं खाती है कभी? सर कोई बात नहीं, सर गाय भैंस बकरी को हम लोग घास चरने भेज देते हैं, वो ब्राउजिंग जब कर रही होती है तो वो गोबर ओबर पे नहीं करती, गोबर के बगल से घास खा के निकल लेती है। तो आपको नहीं लगता ऑंकोस्फेयर उड़ उड़ के पत्तियों वत्तियों पर भी रहता होगा? क्या हम लोग घास धुल धुल के खिलाते हैं गाय को? वो तो ऐसे ही खा रही है। तो लॉट ऑफ चांसेस के ऑंकोस्फेयर उसके भी मुंह के अंदर चला जाता है। तो ऑंकोस्फेयर जब उनके आंत में पहुंचता है, तो आंत में पहुंच करके चाहे वो सुअर में पहुंचे चाहे वहां पर, अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसे नाम देते हैं हेक्साकेंथ। लार्वाए भी ऑंकोस्फेयर एक लार्वा था, एक हेक्साकेंथ, फिर हेक्साकेंथ लार्वा उनकी आंत से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है और उस जानवर के सुअर या कैटल के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और ब्लड के सहारे ये उनकी मसल्स में पहुंचता है। और जब मसल्स में पहुंचता है तो अगली स्टेज आती है सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस दिस, और उसी मसल्स में चुपचाप पड़े रहता है, इट्स अगेन अ लार्वा। फिर हम लोग क्या करते हैं, सुअर या कैटल हम खा लेते हैं तो मसल्स ही तो खाते हैं तो हमारे तक पहुंच जाता है। तो ये रही आपकी इनकी लाइफ साइकिल भाई। जो एडल्ट फेज है ये मैन में पाई गई, फिर ये वाली फेज जो है ये मिट्टी में पाई गई सॉयल में, और ये वाली जो फेज है वो सेकेंडरी होस्ट है, चाहे वो पिग समझिए या कैटल समझिए। तो जब हम इनका मीट खाते हैं जिसमें सिस्टी सर्कस होता है, तो हमारी आंत में पहुंच जाता है सिस्टी सर्कस लार्वा और वो एडल्ट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और जब आपको तब्दील हो जाएगा तो यू विल सफर फ्रॉम ए डिजीज एंड दैट इज नेम्ड एज ए टीनियासिस। इस बीमारी को हम कहते हैं टीनियासिस। तो एक सवाल इसमें जनरल सा आया कि विच स्टेज ऑफ द टीनिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन? सिस्टी सर्कस। एंड विच स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द सेकेंडरी होस्ट? खाली उतार लेने से बात नहीं बनती है, जब तक आप इस तरह के लाइफ साइकिल को समझोगे नहीं तब तक वहां कुछ कर नहीं पाओगे। तो कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज है प्राइमरी होस्ट के लिए और कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज है सेकेंडरी होस्ट के लिए, वो चाहे वहां से पढ़ रहे हो, किसी भी लाइफ साइकिल में पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं। हम उन्होंने प्लाज्मोडियम में भी ऐसे कहा था, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द मैन वॉज द स्पोरोसाइट एंड फॉर द मॉस्किटो वॉज द गैमेटोसाइट। तो सर ऐसे चला आया, तो इस तरह से हमारे में पहुंच सकता है। अब इसमें कुछ बच्चे कहते हैं सर जब हम मीट पकाते हैं तो कुकर में कई सीटी लगाते हैं, तो आप बताओ 2-3 सीटी और लगा दें तो जब वो पकेगा तो क्या ये लार्वा मर नहीं जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा। तो अगर आप मीट को ढंग से पका के खाएं तो सिस्टी सर्कस लार्वा के इन्फेक्शन होने की संभावना कम है, नहीं पक जाएगा तो। लेकिन मीट की स्टोरी क्या है कि मीट दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है व्हाइट मीट और एक कहलाता है रेड मीट। व्हाइट मीट अगर आप चिकन को देखें तो उसमें सफेद सफेद से रेशे होते हैं, आप हल्का सा भाप में भी रख दो तो वो पक जाता है। तो जब आप उसके मसल्स को हटाते हो तो हड्डी जो उसकी पतली सी निकलती है तो एकदम पतली सी एकदम स्मूथ होती है। लेकिन जब आप मटन की बात करते हो, रेड मीट है वो जल्दी पकता ही नहीं है, उसमें कई सीटी यानी काफी देर तक पकाना होता है। तो जब भी उसके बाद भी जब आप उसे नोचते हो तो हड्डी वाला हिस्सा उतना स्मूथ नहीं निकलता जितना आपके चिकन में निकल आता है। जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो समझ रहे होंगे। तो अब जो नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम तो अपनी बात समझाएंगे ही कि भाई ऐसे समझ सकते हैं। तो रेड मीट जो होता है वो आसानी से पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है, गलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा रह जरूर जाता है जो कच्चा होता है हड्डी के आसपास वाला हिस्सा। तो सर ये आ जाता है, और ये रेडी मीट तो है, कौन सा हम मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं?
पिग खाइए या कैटल खाइए, इसमें रेड मीट है। तो ये वाला मीट जो होता है अगर थोड़ा सा भी अनकुक्ड रह गया तो सर सिस्टी सर्कस एक रह गया ना, एक भी काफी है, आपको एक रहेगा। 1000 सिस्टी सर्कस घुस जाएंगे तब भी आपके हाथ में एक रहता है, टीनिया हमेशा अकेला रहता है, 1000 में से 999 को ढकेल देगा बाहर। अब इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम मीट खाते ही नहीं है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताते हैं आपको दिक्कत कहां से होती है जो लोग मीट नहीं खाते। जैसे हमने ये कहा कि ऑन्कोस्फेयर सुअर में चला गया क्योंकि उसने स्टूल खाया, कैटल में चला गया क्योंकि उसने घास फूस खाई तो अगल बगल स्टूल पड़ा रहता है। लेकिन सर हमने छोला भटूरा खस्ता खाया, सर ऑन्कोस्फेयर उड़ता उड़ता उसमें भी आता है। तो सर अगर आपने खाने के रास्ते चलाया या उसी साग सब्जी मूली गाजर सरसों आप भी उखाड़ के लाए और धोले नहीं ढंग से, उसमें ऑन्कोस्फेयर एक लगा रह गया, एक भी काफी है, तो ये आप में चलाएगा। अब आप में ले चले, ये मैन में आया ऑन्कोस्फेयर, तो सर आप में भी तो ये हेक्साकैंथ ही बनेगा, हाथ में पहुंचा और आप में जब हेक्साकैंथ बना तो सर फिर ये ब्लड के रास्ते मसल्स तक पहुंचा और आप में बन जाएगा सिस्टी सर्कस। हालांकि टीनिया कभी नहीं चाहता कि सर इंसान में जाए, वो इस रूप में जाए, क्योंकि इस रूप में अगर जाएगा तो सर सिस्टी सर्कस लार्वा हमारे मैन में यहां बन जाएगा और हमारा मीट सामान्यतः इस दुनिया में कोई जल्दी खाता नहीं। अब शेर सियार हमको मिलते नहीं, लेकिन ऑन जनरल इंसान इंसान का मीट नहीं खाता। तो अगर ये सिस्टी सर्कस जाके मैन में बन गया, ये स्थिति मैन में चली गई, तो सर उसका तो भविष्य अंधकार हो गया, वो तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यहां तो इंतजार करता है आज नहीं तो कल कोई शायद इंसान खा ही ले तो आत में हम पहुंचेंगे तो एडल्ट बन जाएंगे, लेकिन यहां तो इंतजार करता ही रह जाएगा। सर ये वाली बीमारी जब आपको होती है यहां से तो आपके मसल्स में जगह जगह गांठ पड़ जाती है, सिस्टी सर्कोसिस कहलाती है वो। इस बीमारी को नाम देते हैं सिस्टी सर्कोसिस। तो ये तो वेजिटेरियन फूड से भी हो सकती है। तो अनहाइजीन का कितना हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है ये आप देख सकते हैं। सिस्टी सर्कोसिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और कहीं ब्रेन वगैरह में जाके डिपॉजिट हो गया तो छुट्टी हो जाती है आपकी, क्योंकि एक सिस्टी भैया एक थोड़ी ना जाएगा, 1, 2, 4, 6, 10, 20, 50 वो जाके जगह जगह गांठ बना लेगा। तो आप या तो टटोल पाओगे कहीं इधर उधर होगा मसल्स में, और कहीं ब्रेन वगैरह में तो टटोल भी नहीं पाओगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। डॉक्टर कहता है कि अभी ये जाएगा नहीं। तो लोग दुनिया में कहते हैं ना, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। तो अगर सिस्टी सर्कोसिस हो गया तो इस दुनिया से हम लेके तो जाएंगे कुछ, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। ये ठीक हो सकता है, टीनियासिस ठीक हो जाता, दवाएं खाएं थोड़ा प्रिकॉशन रखें तो टीनियासिस नहीं होगा। इसमें हमने इतना इसलिए बताया कि इसमें एक सवाल आएगा जो खूब गलत होगा। सवाल की भाषा सुनिएगा, जब पूछा जाता मैन गॉट इन्फेक्शन विद सिस्टी सर्कस लार्वा, अ मैन गॉट इन्फेक्शन विद सिस्टी सर्कस लार्वा रिजल्ट्स इनटू टीनियासिस या सिस्टी सर्कोसिस। दूसरा सवाल आता है, अ मैन गॉट इन्फेक्शन विद ऑन्कोस्फेयर लार्वा सिस्टी सर्कोसिस। अभी तो आप बहुत सावधान थे, एग्जाम में क्या होता है, मैन गॉट इन्फेक्शन विद सिस्टी सर्कस लार्वा, लड़का कहता है सिस्टी सर्कस लार्वा मतलब सिस्टी सर्कोसिस, सब सेटिंग कर देता है, तो पॉइंट लिखेगा टीनिया में। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, इसमें प्राइमरी होस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, सेकेंडरी होस्ट पिग ऑफ कैटल, पिग या कैटल, क्योंकि आपने सोलियम में लिखना होगा तो पॉर्क टेपवर्म कहलाएगा, सेजिनेटा में लिख रहे होंगे तो बीफ टेपवर्म। तो ये साइकिल को रिलेट कर सकते हैं। तो जब आप पॉइंट लिख रहे थे कि तीन प्रकार के मेनी प्रकार के लार्वल स्टेज हैं, तो देखिए यहाँ 5 प्रकार की बताई, यहाँ 3 प्रकार की, इसीलिए मैंने वहां नहीं बताई थी। तो अब लार्वा को रिलेट कर पाए, स्पॉन्जेस में एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, फिर ओबिलिया में प्लैनुला, टीनोफोरा में सिडपिड, फिर फेशुला में मेरासिडियम
स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। यहां पर आपके पास ऑंकोस्फेयर, हेक्साकैंथन, सिस्टी सर्कस। यस, दिस ऑल अबाउट योर प्लैटीहेल्मिंथीज। इट्स ओके।